हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियंस कुकिंग में। आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाली पायस, या फिर आप इसे खीरी भी बोल सकते हैं। ओडिशा में इसे भोजी स्टाइल खीरी भी बोला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी इंग्रेडिएंट। ये हमारी आधी कप अरवा चावल है। आप शॉर्ट राइस लें, शॉर्ट राइस ना हो आपके पास तो आप इसे ग्राइंडिंग कर लें। इसके लिए हमें शॉर्ट राइस ही चाहिए। एक चम्मच इलायची पाउडर है हमारा। इलायची पाउडर ना हो आपके पास तो दो तीन इलायची को इस तरह से आप कूट कर इसका पाउडर बना लें। मिल्क मेड ले लें। तब तक हम चावल को भिगा कर रख लेते हैं। उसके बाद हम आपको आधे इंग्रेडिएंट दिखाएंगे। चावल को हम अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे भिगा कर रख देंगे। ये चावल हमारा भीग गया है। अब हम आपको दूसरी इंग्रेडिएंट दिखाते हैं। ये हमारा 1.5 लीटर फुल फैट क्रीम दूध है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। हमारा यहाँ पर 6 चम्मच चीनी है, 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी किशमिश और कोई ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं। 1 पिंच नमक है हमारा और थोड़ी सी हमें घी चाहिए होगी। अब हम एक मोटी तले वाली कुकिंग पॉट ले लेंगे। मोटी तले वाली कुकिंग पॉट होनी चाहिए वरना नीचे चिपक सकती है ये। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। और हम इसमें काजू को फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करना है वरना ये जल जाएगी। सारे काजू को हम इस तरह से रखकर कुछ सेकंड के लिए इस तरह चला लेंगे और थोड़ी थोड़ी फ्राई करके निकाल लेंगे। काजू और किशमिश को हमें अलग अलग फ्राई करना है। काजू थोड़ी टाइम लगाती है फ्राई होने में और किशमिश जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए हम इसे अलग अलग फ्राई कर लेंगे। और एक साइड पर हमने दूध भी चढ़ा लिया है, ये भी बॉयल हो जाएगी। और हमने किशमिश को फ्राई करके निकाल लिया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसी घी में अब हमें 2 चम्मच भरकर चीनी डालना है। इसे हमें कैरामलाइज करना है। कैरामलाइज करने की वजह से खीर में एक बहुत अच्छी सी कलर आ जाती है, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे कैरामलाइज कर लेना है। चीनी अच्छे से कैरामलाइज होनी चाहिए। जब इसकी कलर पूरी तरह चेंज हो जाए तब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल का हमने पानी निकाल लिया है। अब हम इसमें चावल डालकर भून लेंगे। चावल डालकर हमें 2-3 मिनट भूनना है इसे। ज़्यादा देर अगर हम इसे भुनेंगे तो ये गलने में टाइम लगाएगी, इसलिए हमें 2 मिनट ही इसे भुनना है। 2 तेज़पत्ता था जो हमारा, अब हम उसे रख लेंगे। दो मिनट भुन गई है हमारी चावल। अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करके 5-10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अभी ये हमारा 8 मिनट हो गया है, पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे। आप चाहो तो इस टाइम पे चावल को थोड़ा तोड़ भी सकते हैं। अब जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था दूध उसे डालेंगे और अच्छे से चला लेंगे। लो फ्लेम पे अब हम इसे थोड़ी देर ढक कर छोड़ेंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम इसे चला लेंगे। अब हमें इसे लो फ्लेम पे ही चलाते रहना है। इस तरह से 30 से 40 मिनट लगेगी इसे हमें पकाने में। इस तरह से हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे।
एक पिंच जो हमने नमक लिया हुआ था अब हम उसे ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। हम इसे हर 5 मिनट पर चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके ना, हमें इस तरह से चलाते रहना है इसे। पच्चीस मिनट हो चुकी है हमारी, ये देखिए दूध काफ़ी ड्राई हो चुका है, गाढ़ी हो चुकी है, ये देखिए। चावल भी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये गाढ़ी हो चुकी है, इस स्टेज पर हम मिल्क मेड ऐड कर लेंगे इसमें। ये हमारी 8 चम्मच तक मिल्क मेड होगी। आप चाहो तो यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर को भी गुनगुने पानी में घोलकर डाल सकते हो। जो हमने शुगर रखा हुआ था उसे ऐड कर लेंगे। हमने मिल्क मेड भी डाला है इसलिए शुगर कम यूज़ हुआ है हमारा, मिल्क मेड से मीठी हो जाएगी है। और अच्छे से हम इसे चला लेंगे। इलायची पाउडर इसमें ऐड करेंगे हम। और काजू किशमिश जो हमने रखा हुआ था उसे रख लेंगे, थोड़ी सी काजू रख लेंगे हम ऊपर से गार्निश करने के लिए बाद में। आप चाहो तो और कोई ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हो। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो आप इसे इसी स्टेज पर भी बंद कर सकते हैं, या फिर और गाढ़ी चाहिए आपको तो और गाढ़ी कर लीजिए। देखिए हमारा सुपर टेस्टी पायस तैयार हो चुका है, ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। इसे आप भी ट्राई करो और कमेंट करके बताओ कि ये कितनी टेस्टी बनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।